सीएम केजरीवाल जब देश की राजनीति में अवतरित हुए थे तब उनके निशाने पर सबसे ज्यादा जो पार्टी रहती थी वो कांग्रेस ही थी। रोज सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक कांग्रेस राग अलापने के कारण वो लगभग कांग्रेस सरीखे ही हो गए हैं। केजरीवाल की वर्तमान स्थिति देखी जाए तो उनकी राजनीति सिर्फ सत्ता लोलुपता से प्रेरित है। उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत को त्याग कर काट की टोकरी पर लाद दिया है, जिसके कारण वो राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गए हैं। क्या है खबर बताते हैं आपको। दिल्ली में बीजेपी की ओर से सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ जारी घर घर अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपनी सरकारी आवास की मरम्मत पर 40 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च किया, लेकिन शहर के लोगों को पीने के पानी और बिजली मुहैया नहीं करा सके। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर पश्चिमी दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम केजरीवाल विकास परियोजनाओं के लिए धन नहीं देते, लेकिन श्रेय लेने में सबसे आगे रहते हैं। ये शर्मनाक है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सरकारी आवास के निर्माण पर 40 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया, लेकिन राजधानी के लोगों को स्वच्छ पेयजल और बिजली मुहैया नहीं करा सके। ये हाल उस समय है जब वो पिछली 9 साल हर चुनाव में दिल्ली के लोगों को इस बात का वादा करते आए हैं कि 24 घंटे बिजली मुहैया कराएंगे। उन्होंने देश की राजधानी में गरीब लोगों को केंद्र की आयुष्मान योजना का लाभ नहीं उठाने दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी में 70 लाख लोगों के मुफ्त टीके और 73 लाख लोगों के लिए मुफ्त राशन मुहैया कराया, लेकिन सीएम केजरीवाल ने इसका श्रेय खुद ले लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीएम केजरीवाल विकास योजनाओं के लिए भले ही पैसा नहीं दे रहे, लेकिन फीता काटने में सबसे आगे रहते हैं। दिल्ली के विकास में पैसा केंद्र का लगता है, फीता काटने केजरीवाल चले आते हैं। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को वो जेल भिजवाने की बात कर रहे थे, आज उसी की पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। अफसोस की बात तो यह है कि जिससे वो मदद मांग रहे हैं उनसे बात तक नहीं करना चाहते। तो देखा आपने कैसे स्मृति ईरानी ने केजरीवाल एंड कंपनी को एक्सपोज कर दिया। केजरीवाल को जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस उस वक्त भ्रष्ट थी तो आज वो कांग्रेस से हाथ मिलाने के लिए इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।